वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सानी संगत रामानी। और जैसे कि आप आज की टाइटल में देख सकते हैं, आज हम करने वाले हैं मेकअप वीडियो। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इन द वीडियो। और जैसे कि मैं आज बोल नहीं सकती मेकअप करते वक्त, तो मैं वॉइस ओवर डाल दूंगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ पहले प्राइमर से, बिकॉज मैंने अपनी मॉइस्चराइज कर ली थी स्किन पहले ही, और इधर मैं भूल गई थी बाल बांधना, इसलिए मैंने बाल बांधे पहले। और अभी ये मैं मिलानी का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की हुई है क्योंकि ये बहुत लंबी थी, सो मैं ये बहुत धीरे ही लगा रही हूँ। इसमें बहुत ऐसे दिख रहा है मेरे को, नहीं मैं इससे नहीं लगाती प्राइमर। सो हम इसके बाद अभी हम लेंगे कलर करेक्टर। हाँ, कलर करेक्टर लिया है, और मैंने लिया है ग्रीन कलर क्योंकि मेरे को बहुत सारे रेड स्पॉट्स हैं, तो उनको छुपाने के लिए ग्रीन कलर बहुत काम आता है। सो मैं अभी वही लगा रही हूँ। मैं बहुत स्लो लगाती हूँ। सो अभी इसके बाद आएगा अभी आईज़ के नीचे लगाना, और उसमें मैं ज़्यादातर हाँ ये पिंक कलर यूज़ करती हूँ क्योंकि वो एरिया डार्क होता है, सो ये कलर उसको थोड़ा लाइट कर देता है। और उसके बाद अब हम करेंगे कंसील। मैं अपने फेस को दो बार कंसील करती हूँ, पहले जो मैं फाउंडेशन से पहले करती हूँ, और उसके बाद अंडर आई पे फाउंडेशन के बाद, वो बाद में आप देख लीजिएगा। सो इधर मैं ले रही हूँ मेरे मिलानी का सेटिंग स्प्रे। सो जैसे क्योंकि मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि लोग है ना ब्यूटी ब्लेंडर को थोड़ा सा गीला करके यूज़ करते हैं सो दैट मेकअप सेट हो जाए, तो अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फाउंडेशन। इसका शेड था 128 वार्म न्यूड, और मैं ये इसके लगाने के बाद ना मैं बिल्कुल बूट जैसी लगने वाली हूँ, मुझे पता है, मैंने ये वीडियो देखी हुई है। सो काफ़ी धीरे धीरे लगाती हूँ मैं। वैसे ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी, जैसे आप सॉरी वो वहाँ पर मच्छर था। सो मैंने ये अपने गर्दन पे भी लगा दिया है बिकॉज ऑफकोर्स कैसा लगेगा फेस और वो अलग अलग लगे थे। ब्लेंड किए जा रही हूँ। बहुत नखरे किए हैं इस वीडियो में मैंने, बहुत ही नखरे किए हैं। सो अभी हम अंडर आई लगा रहे हैं, कंसील कर रहे हैं अपनी, और चिन पे भी, नोज़ पे भी, और फॉरहेड पे भी। ये जो कंसीलर है वो है मेबलिन का, और मेरा शेड है 10 लाइट। और इसके बाद हम ये ख़त्म नहीं हुआ मेरा तो अब तक, इसके बाद क्या देख नखरे तो इतने हैं बबरे। हाँ तो अब हम करेंगे सेट अपने फाउंडेशन को। सो मेरा ये जो शेड है फिट मी का वो है मीडियम, बट वो मेरे लिए डार्क है थोड़ा बहुत, तो मेरे पे काफ़ी वियर्ड लगता है कभी कभी। सो अपना शेड सही से देख के लेना चाहिए, मुझे पता नहीं क्यों उस टाइम पे नहीं चला दिमाग। सो मैं अभी अपनी आईज़ पे लगा रही हूँ कंसीलर क्योंकि मुझे अभी आज थोड़ा मन कर रहा है कि मैं
आई शेडो लगाऊँ। वैसे तो मैं बिल्कुल नॉर्मल लुक करने वाली हूँ, जो मैं वैसे ही करती हूँ मेकअप में। सो अभी मैं कर रही हूँ अपनी आईब्राउज। सो हाँ, ये जो पेंसिल है वो मैंने ली थी मिनीसो से, मुझे इसका नाम नहीं पता है। सो इफ़ मुझे मिलता है तो मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या नाम भी मिलेगा तो मैं यहाँ पे बता दूँगी। अभी आगे ब्राउज़ बनाने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि मेरे ब्राउज़ थोड़े थिक हैं। मैंने यहाँ पे ये रिवॉल्यूशन का एक पैलेट लिया हुआ है, मैंने वो भी बिगाड़ दिया। सो अभी मैं ब्रश ढूंढ रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिल रहा था उस टाइम पे जब मुझे वीडियो बनानी होती है। तो अब मैं सबसे लाइट शेड ले रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा सा कलर चाहिए अपनी आईज़ पे, क्योंकि मुझे आई शेडो लगाना पता नहीं क्यों बहुत कम पसंद है, या मुझे आता नहीं है इसीलिए। सो मैंने काफ़ी लाइट शेड लिया हुआ है और उसको मैं दोनों आईज़ पे लगा रही हूँ। और अभी मैंने लिया एक डार्क, थोड़ा सा उससे डार्क शेड, और उसके साथ ब्लेंड कर रही हूँ मैं लाइट शेड को, क्योंकि वो लाइट शेड दिख नहीं रहा था शायद मेरे पे। सो मैंने उसको ब्लेंड कर रही हूँ। हाँ, मैं ब्लेंड कर रही हूँ उसको, और नखरे भी कर रही हूँ उसी साथ साथ। अब मैं लूँगी एक शिमर वाला शेड, क्योंकि आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसे खुराफाती आइडिया आ रहे हैं कि मैं कुछ न्यू ट्राई करूँ। सो मैंने लगा लिया। उस टाइम पे तो मुझे वियर्ड लग रहा था, शायद अभी भी थोड़ा लग रहा है, बट नहीं, एंड में अच्छा लगेगा। सो अब मैं करूँगी लाइनर लगाऊंगी, ऑफ कोर्स क्या करूँगी। सो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस चलता रहेगा, क्योंकि मैं एक साइड पतला लगा लूँगी, एक साइड मोटा लगा लूँगी, ये चलता ही रहता है मेरे साथ। ये साइड मैं लगा कैसे रही हूँ लाइनर, वो उसकी टिप थोड़ी थिक है इसीलिए मैं ऐसे लगा रही हूँ, और मैं उसको सुखा भी रही हूँ, जैसे वो मेरा जो आई शेडो है उसको ख़राब ना कर दे। अच्छा, और ये लाइनर था नायका का, जिसका भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, मैं बार बार ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ। ओके, सो अभी आईलैश कर्लर से मैं कर्ल कर रही हूँ अपनी आईलैश को। और फेवरेट पार्ट, क्योंकि मुझे मस्कारा बहुत पसंद है और ये मेरा फेवरेट मस्कारा है। और आगे एक बहुत प्यारी चीज़ आपको देखने मिलेगी, बहुत प्यारी। और ये लीजिए, हो गया। ये मैंने पता नहीं कैसे कर लिया, मैं वैसे ऐसा नहीं करती हूँ, पर मैंने को ये वीडियो में ही करना था। सो और ये जो मैंने किया है वो आप मत करिएगा, जब आपका ऐसे कुछ भी लाइनर या मस्कारा आपके कहीं भी लग जाता है तो आपको उस टाइम पे नहीं उतारना है, आपको वो उतारना है जब आपका पूरा मेकअप फिनिश हो जाए, उससे थोड़ा सा ईयरबड लेके साफ़ कर देना है धीरे से, और वो हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा कर रही थी, बट इट्स ओके। काफ़ी देर लग गई मुझे एक मस्कारा में, वो नहीं लगता ना नीचे, हद है। सो फाइनली मेरा मस्कारा वाला पार्ट ख़त्म हो गया। सो मैं अब आ रही हूँ अपने, पहले तो मैंने
वो डस्ट कर लिया जो भी मैंने इतना सारा अपने पाउडर लगाया हुआ था पेक करने के लिए। सो इसके बाद मैं करूँगी कॉन्टोर मेरे फेस को, क्योंकि मेरा फेस अजीब ही शेप का लगा पड़ा है, और कॉन्टोर करने के बाद तो अच्छा खासा लगता है, ऐसा तो बुरा नहीं लगता है। सो काफ़ी खुश हो रही थी मैं कॉन्टोर करके अपने फेस को। सो अभी आगे हम लोग करने वाले हैं ऑफकोर्स ब्लश, क्योंकि कॉन्टोर के बाद तो मैं वही करती हूँ। तो पहले मैंने ब्लश चीक्स पे लगाया है, और फिर चीक्स पे ही लगा रही हूँ अब तक मैं, और फिर लगाऊंगी चिन और नोज़ पे, क्योंकि वो मेरा बेस्ट पार्ट है, नोज़ पे बहुत प्यारा लगता है ब्लश। और मैं देख रही हूँ खुद को, क्योंकि मैंने खुद को देखा ही नहीं था अच्छे से कि मैं कैसी लग रही हूँ। सो अब मैंने, मेरे को अचानक से याद आया कि मैंने काजल तो लगाती नहीं हूँ मैं, तो मुझे जो आईज़ के नीचे वाले पार्ट है उस पर थोड़ा सा कलर चाहिए। तो मैंने जो स्टार्टिंग में लाइट कलर लिया था अपने आई शैडो में, मैं वही नीचे भी लगा रही हूँ। जैसे थोड़ा सा, बस जस्ट थोड़ा सा कलर आ जाए उस पर। और अब ये है एक रिवॉल्यूशन का बेकन ब्लूट करके आता है, बीकन ब्लूट करके समथिंग, मैं आपको बता दूँगी इफ़ आपकी ऑयली स्किन है जैसे मेरी है आपको ये यूज़ करना चाहिए। सो आपका जो ऑयल पसीना वो सब है वो थोड़ा कम है आपके फेस पे। सो आई डोंट नो मैं ये क्या कर रही हूँ अब। हाँ, मैं अपना हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, ये भी मेरा फेवरेट पार्ट है, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है हाईलाइट करना खुद को। और ये जो मस्कारा वाला था जो मैंने बिगाड़ दिया, तो हाइलाइटर वाला पार्ट तो मैं शायद थोड़ा अच्छा कर ही रही हूँ, इतना बुरा नहीं है। तो मैंने करा, अब मैं अभी अपने, हाँ अभी आईज़ पे भी थोड़ा सा, क्या कर रही हूँ ये मैं, लगा दिया मैंने। अब मैं लिपस्टिक की तरफ चल रही हूँ, लिपस्टिक का शेड मैं आपको वहाँ ऊपर दे रही हूँ। सो इफ़ आपको वो अच्छी लगे तो आप ऑफ कोर्स ले सकते हो। और एक लिपस्टिक लगाने में मैंने काफ़ी देर लगा रही हूँ, ये रहा, ये टाइम होता है मुझे खुद को देखने का। और लास्ट स्टेप जो है सेटिंग स्प्रे, सो मैंने सेट कर लिया, अभी आएगा मेरा फाइनल लुक। सो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और जो भी आपको वीडियोस देखनी हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाय बाय।